अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर के साथ हमेशा की तरह मैं हूँ सैयदा अरमला हसन। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, शो ट्यून करके बैठ जाएंगे। 9 से 11 बजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा और दिन का आगाज आपका अच्छा होना चाहिए, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दें, आपसे ढेर सारी बातें करें और आपको वो बताएं जो आपको एक बंदा जब सुबह उठे टीवी ऑन करे तो उससे वो इन्फॉर्मेशन मिले जो उसके पूरा दिन काम आए। तो जनाब, आज की जो पहली रिसर्च है वो हमारे साथ कुछ बड़ी मज़ेदार है। वो कल मैंने आपको वेट लॉस पाने के तरीकों के साथ वेट लॉस का बताया था, लेकिन आज हम बात करेंगे जनाब के भुने हुए चने खाएं और अपना जो वज़न है उसको घटाएं। आजकल हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है, टेंशन यही है, स्ट्रेस यही है कि हमने वेट कम करना है। उसके लिए हम मुख्तलिफ तरह की डाइट भी करते हैं, क्रैश डाइट करें, बनाना डाइट करें, बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको हम ट्राई कर लेते हैं कि अच्छा हम किसी ना किसी तरह अपना वेट जो है उसको रिड्यूस कर लें। लेकिन सेहतमंद गज़ा के साथ अगर आप अपना वेट रिडक्शन की तरफ जाएंगे तो ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है। और चने का इस्तेमाल, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो मैं आपको बता दूँ, बड़ी तादाद में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सब कॉन्टीनेंट की बात की जाए तो वहाँ पर सब जगह पर ये इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा टर्की में, इंडिया में और मुख्तलिफ ममालिक में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी से वेट रिड्यूस कर लें तो आप भुने हुए चनों का इस्तेमाल करें। और भुने हुए चने जनाब ऐसी गज़ा है जिसमें कैलोरीज कम होती हैं और फाइबर और प्रोटीन की जो अमाउंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इससे ना सिर्फ आपके वज़न में कमी आती है बल्कि आपकी जो बॉडी है वो भी सेहतमंद और हेल्दी यानी कि रहती है। और अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा चने खाते हैं तो उसमें से छिलके उतार देते हैं, हालांकि छिलके साथ खाने चाहिए क्योंकि इनमें जनाब फाइबर और प्रोटीन मौजूद होता है जो आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन देता है। तो लिहाजा वो आप अक्सर घर में भी हमारे जब खाए जा रहे होते हैं तो ब्लैक कलर के जो छिलके होते हैं भुने हुए उतार दिए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि अच्छा उसको खा लें, गले में लगते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि आप उनको छिलकों के साथ खाएं। और इसके अलावा ये देर में थोड़ी हजम होने वाली जो ये डाइट है, अगर आप इसको खाते हैं तो आपको भूख भी कम लगती है, तो ज़्यादा खाने की तरफ भी आपका रुझान है, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन तो मिल रही होती है लेकिन आप ज़्यादा खाने की तरफ भी नहीं जाते क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होती है। और उसमें जनाब ये भी कहा गया है कि कमी तो होती है लेकिन साथ साथ जो एक्स्ट्रा फैट होता है आपकी बॉडी पर वो भी इसको रिड्यूस करता है ये चने। तो भुने हुए चनों में और कैलोरीज कम है, और जो अगर आपको बेवक्त भूख लग रही है और अक्सर रात को लेट नाइट जो एक होता है हमारा टाइम दौर चलता है कि जब हमने कुछ ना कुछ खाना है या कुछ दोपहर में या कुछ ऐसे, तो आप खाने के बाद अगर आपको भूख लग रही है तो आप एज ए स्नैक इसको खा सकते हैं। चनों का इस्तेमाल करें, अपने बैग में थोड़े से रख लें, बहुत ज़्यादा भी ना खाएं, पेट में भी ना दर्द हो जाए ये भी एक मसला होता है, लेकिन कोशिश ये करें कि एक नॉर्मल इतदाल के साथ आप अगर इसको कंज्यूम करें। और इसमें अक्सर खाने के बाद भी मैंने देखा है बैग भी मौजूद होते हैं, आप उसको खाएं थोड़ी देर बैठे। सर्दियों में अगर आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं तो उसके साथ इसको भी शामिल कर लें। तो जनाब इस रिसर्च भी हुई जिसमें ये लिखा गया चनों की गजाइत को बढ़ाने के लिए इसमें पनीर और सब्जियां भी शामिल की जा सकती हैं। अच्छा, आप इसको कुक भी कर सकते हैं, ये भी एक बड़े मज़े की चीज़ मिली है। अच्छा जनाब, और जिन अफराद के ने 2 माह तक जिन चनों का इस्तेमाल जारी रखा उनके वज़न में काफ़ी हद तक कमी आई, और एक प्याली यानी कि एक कप जो है चने वो वुमन आपका पेट भर देते हैं और आपको इतनी ज़्यादा उसके बाद क्रेविंग नहीं होती है खाने की। तो भुने हुए चने अक्सर आपको वो नमक के अंदर भी भून के मिलते हैं या वैसे भी वो आपको भट्टी के ऊपर भून के देते हैं, तो वो बहुत टेस्टफुल भी होते हैं और साथ साथ आपका वेट रिडक्शन भी हो जाएगी, तो ये एक बेहतरीन चीज़ हो जाएगी। तो लिहाजा किसने सोचा था कि भुने हुए चने के इतने फ़ायदे हो सकते हैं कि आप वेट भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो जनाब ये तो थी रिसर्च जो हमने आपके साथ शेयर की, और उम्मीद करते हैं कि अब के बाद इस रिसर्च को सुनने के बाद बहुत सारे लोग भुने हुए चने खाना शुरू कर देंगे। इवन सौंफ भी वो आप लाजमी खाया करें क्योंकि सौंफ आपकी आईसाइट के लिए भी बहुत अच्छा है, और उसके साथ साथ आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर आप खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ खा लें, मेरे बैग में वैसे हर वक्त सौंफ मौजूद होती है क्योंकि मुझे आदत है, और बहुत सारे इससे फैक्टर्स ये होते हैं कि आईसाइट चूँकि मेरी वीक है तो मेरी उसमें भी एक प्रॉपर चीज़ रह जाती है कि आप सौंफ का इस्तेमाल करें और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर होता है, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो भी थोड़ा फास्ट होता है। तो सौंफ चनों का इस्तेमाल ज़रूर किया करें खाने के बाद, थोड़े से एक मुट्ठी कह रही हूँ एक इतनी सी आप अपनी हथेली पे रखें और उसको खा लें, तो ये बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा है। चलिए जनाब, ये तो थी खाने पीने की रिसर्च, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया में तरक्की भी बहुत ज़्यादा हो रही है। वो तरक्की कुछ इस तरह से हो रही है कि बहुत अरसे से कहा जा रहा था कि जनाब डिजिटल साइड मिरर्स वाली गाड़ी जो है उसको ईजाद करने का सोचा जा रहा है, उस पर काम भी हो रही है, वर्किंग भी हो रही है, मुख्तलिफ ब्रांड जो है वो काम कर रहे हैं। जनाब कार के साइड पर लगे कि शीशों को इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बनाने पर एक अरसे से, जैसे मैंने आपको बताया, काम जारी था, लेकिन 2019 में
पहली मरतबा ये कार जो है मुतारिफ करवाई जाएगी और इसमें डिजिटल स्क्रीन नस्ब की जाएगी, लेकिन इसे पहले फेज में जो है जापानीज कार्स के अंदर मुतारिफ करवाया जाएगा। और इस डिजिटल मिरर को कंपनी ने डिजिटल आउटर मिरर का नाम दिया। इसमें बिल्कुल कोई डिस्प्ले नहीं है बल्कि कैमरे लगे हुए हैं जिनकी स्क्रीन जो है कार के अंदर नस्ब होंगी और जो बैरूनी कैमरों के मनाजिर को अंदर दिखाएंगे। आप कार के अंदर बैठकर डिजिटल कैमरों की बदौलत किसी भी चीज़ की जो है वो शनाख्त की जा सकती है। और ये कैमराज जो हैं ये बारिश, बर्फबारी, धुंध और तूफान में भी काम करेंगे और ये कार के अतराफ का मंजर जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करते रहेंगे। गाड़ी रिवर्स करते हुए भी कैमरा जूम हो जाया करेगा और कुछ 4G लाइट्स भी बनाकर पार्किंग में मदद करेगा। और इसके साथ साथ कार के साइड मिरर का डिस्प्ले जो कहा जा रहा है किसी छोटे कंप्यूटर टैबलेट डिस्प्ले की मानद होगा। आपने स्क्रीन पर अब इसकी फुटेज भी देखी है और कैमरा डिस्प्ले का मकसद तफरी की बजाय आपके काम के मनाजिर आपको दिखाया गया कि ड्राइवर की जो तवज्जो है उसी पर है और डिजिटल लाइन में बहुत वाजे और बहुत क्लियर जो है नज़र आएगी। साइड मिरर्स अमूमन थोड़े हमारी मैनुअल गाड़ियों के जो आपको पता होते हैं आप उसमें खुद देख रहे होते हैं, लेकिन उनमें कैमरा नस्ब किए जाएंगे और उसकी जो स्क्रीन होगी वो ड्राइवर के सामने डिस्प्ले की जाएगी एक टैबलेट की शक्ल में, जिसमें बाकी कैमराज चाहे धुंध है, बारिश है, किसी भी तरह की कंडीशन है वो अंदर आपको डिस्प्ले हो रही होगी। तो एक कन्वीनियंसी का एलिमेंट तो डेफिनेटली इसमें नज़र आएगा, आपको एक कम्फर्ट जोन और एक लग्जरियस कार आपको मिलेगी कि आप कैमराज की मदद से जो है वो देख सकेंगे। तो ये जापानीज कार में 2019 में जो है ये प्रॉपरली वर्किंग में आएगा, उसको लॉन्च किया जाएगा और इस पर काम किया जा रहा है। तो जनाब दुनिया बहुत तरक्की कर रही है, सोचें कुछ इस बारे में। पोल्यूशन के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, चाहे भी हम गाड़ियों की बात करें, ट्रैफिक है, फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारे ऐसे अनासर हैं जो आपकी पोल्यूशन में इजाफा कर रहे हैं और उसकी एग्जांपल हमें मिलती है जनाब स्मॉग की शक्ल में कि कितनी पोल्यूशन हो चुकी है। और इस पोल्यूशन का हल क्या निकाल रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, ओजोन लेयर इससे कितनी जो है वो डैमेज हो रही है, उसके इम्पैक्ट्स क्या आएंगे हमारी सेहत के ऊपर, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, आज इस पर डिस्कशन करेंगे। हमारे पास मौजूद होंगे मिसबाउल हक खान लोधी साहब जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर हैं इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट के, लाहौर रीजन को ये देखते हैं। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। मिसबाउल साहब, सबसे पहले तो हम बात करें तो आज ओजोन लेयर प्रिवेंशन डे और पॉल्यूशन डे भी मनाया जा रहा है, बेसिकली क्या पर्पज है इसको मनाने का ये भी हम बताइएगा। बेसिकली 19वीं सदी के जो लास्ट क्वार्टर गुजरा है उसमें साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि हमारी एंटार्कटिका पर ओजोन की लेयर है वो डिप्लीट हो गई है, उससे कुछ ऐसी रेडिएशंस आई जिससे कि जो हमारा मुंजमद शमाली में जो रिजर्व्स पड़े हुए हैं पानी वो पिघलना शुरू, समंदर पिघलना शुरू हो गया और जो साउथर्न अमेरिका में कुछ ममालिक हैं उनमें मुख्तलिफ किस्म की ऐसी बीमारियाँ सामने आने लगी जिससे कि इंसानी सेहत पर डैमेज होना शुरू हो गया। मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने स्टडीज़ की, नासा ने उसके ऊपर स्टडीज़ की, तो फिर ये उनको डिस्कवर हुआ कि हमारे वहाँ जो कूलिंग एजेंट रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर में इस्तेमाल हो रहा है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डाली जाती है, CFC बोलते हैं उसे कॉमन, तो उसकी इमिशन से वो डिप्लीट ओजोन लेयर थिन होना शुरू हो गई। जब ओजोन लेयर का जो बेसिकली अल्लाह ताला का एक तोहफा है बनी नौ इंसान के लिए कि हमारे अपर जो स्ट्रेटेफर है उसमें ज़मीन से अगर 6 माइल और 10 माइल के दरमियान एक लेयर है, सही, ये ऑक्सीजन गैस का ट्रिपल मॉलिक्यूल मिलके एक फॉर्म करता है, ये नेचुरली अक्रिंग है। और ये जो थिन लेयर है तकरीबन 4 माइल की, इसमें 80-90% ओजोन है, बाकी दूसरी गैसेस भी उसमें हैं और इनका जो ये शील्ड के तौर पे काम करती हैं, जो सूरज हमारी ज़िंदगी की बका में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है उससे ना सिर्फ रोशनी आती है, हरारत आती है, बल्कि ऐसी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी आती हैं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, कैंसर कॉजिंग है और उससे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ आ जाती हैं, तो उनको ये वापस हमारी ज़मीन की सरफेस में आने नहीं देता, उसको रिफ्लेक्टर के तौर पर काम करता है। और जब ये ओजोन की लेयर अपर स्ट्रेटा में बढ़ जाए तो वो ओजोन की डिप्लीशन शुरू हो जाती है। तो 1973 में कोई 40 के करीब ममालिक ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके मुताबिक CFC की प्रोडक्शन को ऊपर बैन कर दिया गया और इसको ग्रेजुअली एलिमिनेट करते चले। अब ओजोन लेयर की जो लास्ट हमें मैक्सिमम डिप्लीशन नज़र आती है दैट इज़ इन 2000, उसके बाद से ये इसको ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रही है। अच्छा। और एक्सपेक्टेड है कि 2060 तक ये जो डैमेज हो चुका है ये रिकवर हो जाए नेचुरली।
तो अभी हम पॉल्यूशन का जो एलिमेंट देखते हैं बहुत ज्यादा है अपने इर्द गिर्द भी, और हमारी वो उसकी मैंने जैसे स्मॉग की बात की और गाड़ियों में भी कंट्रोल सिस्टम या डिफरेंट तरह के अनासर है, तो क्या पॉल्यूशन की सूरत हाल पे काबू पाने के लिए किया जाएगा? पॉल्यूशन जो है वो बेसिकली जो हमारी इंसानी एक्टिविटीज है उसके साथ एसोसिएटेड है। जितने बड़े शहर होंगे, जितनी आबादी ज्यादा होगी वहाँ पे उतने ही ज्यादा मसाइल भी होंगे। अगर आप रोज़मर्रा बाहर निकलें तो आपको पता होगा चलेगा कि हमारी गाड़ियों का फ्लीट बहुत बढ़ गया है। हमारी कैपेसिटी से 2 times 3 times ज़्यादा गाड़ियां हमारी सड़कों पे चल रही हैं। जब उसमें कंजेशन होगी, उसमें बॉटल नेक्स आएंगे, जगह जगह पे रुकावट आएगी, इशारे आएंगे, तो वहाँ गाड़ियाँ आइडल कंडीशन में खड़ी होती है और उससे जो एमिशन होती है वो कंट्रीब्यूट करती है हमारी स्मॉग, और वो अर्बन के लिहाज से मेजर कंट्रीब्यूटर है। असेसमेंट्स ये है कि 60-65% स्मोक की फॉर्मेशन में हमारा ऑटोमोबाइल से जो खारिज होने वाली इमिशन है वो कंट्रीब्यूट कर रही है। उसके बाद तो सेकंड स्टेज पे हमारी इंडस्ट्रियल इमिशंस हैं। इंडस्ट्रीज़ में जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं, स्पेशली स्टील फर्नेसेस हैं, हमारे भट्टे हैं जहाँ पे ईंटें बनती हैं, इसके अलावा और भी ऐसी फैक्ट्रियाँ जो कि दीगर केमिकल्स को यूज़ करती हैं, उनकी जो इमिशंस हैं वो भी स्मोक की फॉर्मेशन में मेजर कंट्रीब्यूट करती हैं। सही। अच्छा, हम बात करते हैं प्लांटेशन की, ट्रीज़ की, तो वो भी हमारे यहाँ पर बात की जाए तो पोल्यूशन कंट्रोल करने में बहुत मददगार साबित होते हैं, लेकिन शजरकारी इस तरह की प्लांटेशन के हम कैंपेंस अब आकर देख रहे हैं, हालाँकि हमें बहुत पहले से इसकी ज़रूरत है। ये जब से पाकिस्तान बना है तो हमारी ग्रेजुअली डिक्लाइन ही हुई है। हम जहाँ तक हम अपने लाहौर की बात करें तो हमारा लाहौर का लुक, ग्रीनर लुक बहुत पुराना, ये बागात का शहर गिना जाता था। बागात तो हैं लेकिन उसके इर्द गिर्द हमने आबादियाँ इतनी बना ली हैं कि उनका वो इम्पैक्ट ख़त्म हो गया है। उसी के तनाजर से हमारी जो जितनी डेवलपमेंट हुई है उसके साथ साथ प्लांटेशन उसी रेशो से ज़्यादा नहीं हुई। गाड़ियाँ बढ़ने के साथ साथ प्लांटेशन हमने कम की है। हमारा जो ग्रीनर एरिया था वो हमने हाउसिंग कॉलोनी में कन्वर्ट कर लिया है, वहाँ पे उस वजह से भी पोल्यूशन का जो इम्पैक्ट है ज़्यादा। अब रिसेंटली क्या हमारे इन्वायरमेंट के हवाले से हम ये है कि हम जो भी नए प्रोजेक्ट लगते हैं उनको हमें कंडीशन उसको लगाते हैं उसकी पोल्यूशन के हवाले से कि इनका कितना उसमें कंट्रीब्यूशन होगा, कितना क्वांटम होगा पोल्यूशन में, तो उसके मद्देनजर रखते हुए उनके ऊपर कंडीशन लगाई जाती है कि आपने इतने पौधे लगवाने हैं। अगर जब तक वो पौधे वो लगा नहीं लेते उसके लिए ये कंडीशन नहीं है कि स्पेसिफिकली वो अपनी फैक्ट्री के अंदर जितने लग सकते लग दें, उसके अलावा जो भी अवेलेबल स्पेस हो उनके पास या गवर्नमेंट दारों के पास, तो वहाँ पे हम पौधे इंश्योर करवाते हैं। ये जब से ईपीए ने ये काम शुरू किया है हम अपना रोल तो अदा कर रहे हैं। अब हमारी बदकिस्मती ये है कि स्टेट लैंड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। फॉरेस्ट के पास जगह हैं लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनकी वहाँ पे सिस्टम नहीं है। मेरी सजेशन में अपने डिपार्टमेंट को पुश कर रहा हूँ पिछले कुछ अर्से से कि फॉरेस्ट के साथ बात की जाए, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को ब्लॉक्स अलाट किए जाएँ, ब्लॉक्स अलाट किए जाएँ जहाँ पर वो प्लांटेशन करें ताकि उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो वो प्रॉपर्टी तो अल्टीमेटली फॉरेस्ट की ही रहेगी, लेकिन हम जो इधर उधर लगवाते हैं उसकी प्रॉपर केयर नहीं होती, तो उन ब्लॉक्स में जब पौधे लगेंगे तो वो प्रॉपर केयर भी होगी और वो गवर्नमेंट का एसेट भी होगा। थैंक यू वेरी मच मिस्टर अक्सा, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब आज का टॉपिक यही है कि एनवायरनमेंट की हिफाजत आपने खुद भी करनी है और प्लांटेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए, यही हम कह सकते हैं। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।